거리 아직 해지게 뭐해? 거리도 맞아. 아니면 जय जय राधा कृष्ण युगल मिलान जय जय आरती कराए ललित सखी गारती हो मदन महान रूप विभंग सुंदर मदन पीताम्बर सिखी बुच्चा चूरा मनोहर हरि मन विमहन बदनयु चल अभिषका दिशी गण नग गाय नर्म सखी जत चमर तुलाय नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपमतस्याग्रजगुरिपुरीं माथुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधुवासं प्राप्तो यस्य प्रतीतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानं पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिशे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नय माम चरणं श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद श्रीमद्भागवत पाठ के तीन नियम हैं। एक तो नियम है सात दिन में इसको समाप्त किया जाए, एक नियम है इसका एक महीने का, और तीसरा नियम है तीसरा रोज रोज प्रतिदिन भागवत का अनुशीलन हो पाठ हो। जो सात दिन वाला होता है बहुत संक्षिप्त होता है, और उससे अच्छा होता है एक महीने वाला,
और उससे अच्छा होता है प्रतिदिन एक श्लोक आधा श्लोक, आधा श्लोक का आधा या एक शब्द का भी यथार्थ तात्पर्य यदि एक दिन में थोड़ा सा भी हो तो यह भजन के लिए बहुत अनुकूल और आत्म तत्व को देने वाला, भगवत प्रेम को देने वाला होता है। समझ बूझ करके किया जाए। मंत्रों का जप सभी लोग करते हैं किंतु उस मंत्र का इष्ट देव कौन है, उस इष्ट देव से हमारा क्या संबंध है और फिर उस इष्ट देव के प्रति हमारी प्रपत्ति हो, शरणागति हो, आत्मनिवेदन हो, ये पांच जो अंग हैं सबको अच्छी तरह से समझ करके मंत्र का जो जाप करता है वो झट सिद्धि होती है, अन्यथा ये चीज को नहीं जान करके जो करते हैं सिद्धि नहीं होती। उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के एक एक श्लोक मंत्र हैं, मंत्र हैं सभी, कृष्ण प्रेम को, तत्व ज्ञान को देने में सभी समर्थ हैं। इसका एक श्लोक का भी अर्थ अच्छी तरह से कोई समझ ले तो भी बहुत है, किंतु एक दिन क्या, दस दिन में भी, एक महीने में भी, एक वर्ष में भी यदि थोड़ा सा यदि समझ में आ गया तो जीवन कृतार्थ हो जाएगा। जैसे मैंने कल एक श्लोक हमने कहा जो कि सुत गोस्वामी ने ऋषियों को कहा और सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को कहा, बदन्ति तत्व विदस्तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। चैतन्य चरितामृत में भी यह श्लोक को उद्धृत किया गया है, बहुत से लोग पाठ करते हैं, अधिकांश मेरे समझ से 95% जो पढ़ते हैं वो तो नहीं समझ पाते, 5% वालों में से कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग इसको उपलब्धि भी कर सकते हैं। बड़ा कठिन है, दार्शनिक इसमें इतने गंभीर विचार हैं कि उपनिषद जिसको वेदांत कहते हैं, वेदों का अंत सार, उस वेदांत शास्त्र का भी मंथन करके यह श्लोक मंत्र के रूप में है। पारिभाषिक श्लोक है ये, साधारण आदमी तो नहीं समझे, जो इसका अनुशीलन करते हैं, अपने गुरु से कुछ समझे होंगे, कुछ पढ़ते होंगे, लिखते होंगे, इसको विचार कर वो तो समझ लेंगे। भगवान को जानने के लिए एक न एक दिन ये समझना पड़ेगा, आज नहीं तो कल बिना समझे हुए इन चीजों को हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते। अब इसमें एक एक शब्द ऐसे हैं जिनकी गंभीर तात्पर्य है, हजारों वर्षों तक साधना के द्वारा ही इनको उपलब्धि की जा सकती है, साधारण चीज नहीं है। अब जैसे यदि इसमें कहें तत्व विदह बदंती, तत्व लोग जो इसको तत्व को जानते हैं वो लोग ऐसा, अच्छा तत्वविद कौन है, तत्वविद किसे कहते हैं और वो क्या कहते हैं कि बदंती तत्व विदस तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान जो तत्व है वही परतत्व है। अद्वय ज्ञान क्या कह तो दिया, अधिकांश में जो पाठ करने वाले होते हैं जो गुरु से इन्होंने नहीं सीखा या दो चार सीख लिए पैसा रोजगार कमाने के लिए, भजन नहीं किया, ये खाक तनिक भी नहीं समझेंगे, उनको जरूरत नहीं अद्वय ज्ञान तत्व समझने की, ये क्या चीज है। यज्ञानम अद्वय, अद्वय ज्ञान ही परतत्व है और उसी को ये तत्वविद लोग कोई कोई ब्रह्म, कोई कोई परमात्मा इति परमात्मा और कोई कोई उसको भगवान इति शब्द दे भगवान कहते हैं।
उसी को ही पहले तत्वविद किसको कहते हैं, तत्वों को जानने वाले। तत्व क्या है, तत्व क्या है उसी को कह रहे हैं। तत्व है क्या, जज ज्ञानम अद्वयम, अद्वय ज्ञान ही पर तत्व है, इससे बढ़कर के और कोई तत्व नहीं है। ये अद्वय ज्ञान तत्व को इस रूप में कह सकते हैं, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, यही अद्वय ज्ञान तत्व है। किंतु तो भी इसमें ये पूरा नहीं आया, अद्वय ज्ञान पर तत्व, वो तत्व ऐसा है दो नहीं है, उसके समान भी कोई नहीं है, असमोर्थ तत्व है, उसके समान भी कोई नहीं है, उसे बड़ा और उसके बराबर होने की तो बात ही क्या। और ये समस्त विश्व में एक ही तत्व है, दो नहीं, किंतु दो इसमें तो है दो, न द्वय, दो जैसा प्रतिभात होता है किंतु दो नहीं। कोई ऐसा संसार में चीज है जो एक हो? एक शब्द का कोई उदाहरण है, एक कहे मैं एक हूं, ये इसमें पांच तत्व हैं, और इस पांच तत्व में ने कितने तत्व भरे पड़े हैं, और इनके बाद में इसमें मन बुद्धि अहंकार चित्त है, और मन बुद्धि अहंकार चित्त एक एक में कितने तत्व भरे पड़े हैं, और फिर उसके अंदर में आत्मा, उसमें भी कितनी चीजें हैं, और उस आत्मा के बाद में परमात्मा। एक शब्द है, एक में ए और क दो अक्षर हैं, तो एक कहां रहा, ओ एन ई, इसमें तीन अक्षर हैं, तो एक कहां रहा, को जो ऐसे खींच दो ये एक हो जाएगा, खींचने से भी उसमें बहुत से डॉट मिलकर के एक लाइन बनती है, तो एक है कहां, है जगत में कोई ऐसा उदाहरण ये एक का उदाहरण हो, जो एक हो, समुद्र तो एक है, भारत महासागर एक है, पैसिफिक ओशन एक है, अटलांटिक ओशन एक है, अरे भाई उसमें कितना जल का एक एक परमाणु अलग अलग, उसमें कितनी मछलियां व्हेल, और उसमें कितने कितने तरह के जानवर, कितने तरह की क्या चीजें हैं, उस समुद्र में कहने से एक नहीं, लाखों ड्रॉप्स करोड़ों ड्रॉप्स मिल करके वो पानी बना, इसलिए एक नाम की कोई चीज नहीं है। किंतु हाँ एक चीज है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन यूनिटी। तो ये समस्त जगत मिलकर के एक अद्वैय ज्ञान है वस्तु, और उस अद्वैय ज्ञान में एक परतत्व है सर्वश्रेष्ठ। दो चीज रहे जगत में तो उसमें हम कह सकते हैं इसमें भेद है, जगत में तो कोई दो चीज है ही नहीं, जो कुछ देखते हैं वो एक ही के अंतर्गत में है, एक ही के अंतर्गत। कैसे, अब इस चीज को जरा विचार कीजिए, जैसे एक अद्वैय ज्ञान परतत्व एक ही है, जो कि समस्त विश्व ब्रह्मांड जितने जीव जो कुछ दिखाई पड़ते हैं उसी के अंदर में समाविष्ट है, अलग से किसी की स्थिति नहीं है, ऐसा कोई वस्तु नहीं है दो जिसकी स्वतंत्र एग्जिस्टेंस हो, स्वतंत्र सत्ता हो, कोई चीज जगत में नहीं, बस एक है वो, उसी के सत्ता के ऊपर में सबकी सत्ता है, वो है कौन, वही अद्वैय ज्ञान परतत्व भगवान स्वयं कृष्ण है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जरा कम गंभीर रूप से सुनना, कहानियां तो लोग कह जाएंगे, इन तथ्यों को समझ लेना, यदि समझ गए तो बस बेड़ा पार,
अब इसी को समझाने के लिए कथा कहानियों के रूप में कृष्ण की लीलाओं के रूप में सारा श्रीमद् भागवत इसी यही एक श्लोक है। इसी श्लोक के ऊपर में सारा श्रीमद् भागवत डिपेंड करता है यही श्लोक और इसी की व्याख्या टीका अत्यंत दूसरे श्लोक सब हैं। मूल श्लोक इसी पर विचार किया गया ना? तो कहते हैं इस जगत में कृष्ण के अतिरिक्त जितने भी भगवत अवतार हैं जितनी भी शक्तियां हैं जितना ये विश्व ब्रह्मांड है अखिल जीव हैं किसी की स्वतंत्र सत्ता नहीं उसी सत्ता के ऊपर में सबकी सत्ता है। जैसे जगत में राम कृष्ण बलदेव इत्यादि 24 प्रकार के अवतार बतलाए गए हैं विष्णु इत्यादि तत्व हैं ब्रह्मा विष्णु महेश हैं लाखों देवता हैं लाखों जीव हैं बद्ध जीव हैं मुक्त जीव हैं एक ही ये विश्व नहीं है लाखों कोटि विश्व ब्रह्मांड है जो भगवान के एक लोम कूप में लाखों विश्व ब्रह्मांड निकलते हैं और कहां चले जाते हैं बहुत अद्भुत। ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा भी यह संभव नहीं है कि इनकी चिंता कर सकें भगवान के एक एक विभूतियों को गिन सकें। वो जो पर तत्व है पराश शक्ति विविधैव श्रूयते एक पर तत्व है किंतु पर तत्व होने वो कौन है एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं राम भगवान है नारायण है भगवान विष्णु भी भगवान है और सब लोग हैं भगवान है किंतु स्वयं भगवान ये छोटा सा बालक बांसुरी बजाने वाला नंद का लाला नटवर श्याम सुंदर ये है समस्त भगवत्ता की जड़ है वो इसी की सत्ता के ऊपर में सबकी सत्ता निर्भर करती है इसी के ऊपर में सब कुछ यही स्वतंत्र सत्ता उसकी है किंतु पराशर शक्ति विविधैव श्रूयते उसकी अनंत शक्तियां हैं। शक्ति तो है एक है परा पर वस्तु एक है तो उसकी शक्ति एक होगी किंतु उसकी विविध वैचित्र है बहुत तरह की जब जो काम करता है उसकी शक्ति उस शक्ति के अनुसार में उसका नाम अलग बन जाता है। साधारण रूप में इसको तीन भागों में विभक्त किया क्या सत चित आनंद भगवान का यह स्वरूप माना गया। सत माने क्या पहले समझा जाए सच्चिदानंद भगवान माने क्या जिनकी सत्ता है और वो सत्ता कैसी है चीन में है जड़ नहीं कभी उसका ध्वंस विनाश रूपांतर नहीं होता ने? उस सत वस्तु रहने से उसका नाम होगा रूप होगा गुण होगा क्रिया होगा जरूर होगा। जिसका नाम रूप गुण क्रिया नहीं है वो कोई सत्तु सत्ता ही नहीं है उसकी कोई भी चीज हो उसका नाम रूप गुण क्रिया जरूर रहेगा वो सत्ता हुआ। कृष्ण में यह सत्ता परिपूर्ण रूप में है और निरंतर नित्य है एक रस है। चित चित माने ज्ञान जितना ज्ञान है सब ज्ञान का संपूर्ण समावेश कृष्ण में पर रूप में है। वैसा ज्ञान किसी में नहीं है और आनंद अभी आनंद की व्याख्या की जाए तो इसमें समय लग जाएगा। आनंद भी तीन प्रकार का भौतिक आनंद मानसिक आनंद और आत्मा का आनंद और फिर परमात्मा का आनंद फिर भगवान का आनंद जिस आनंद के द्वारा वह पर तत्व आनंद का उपभोग करता है दूसरों को भी आनंदमय बना देता है उसकी उस शक्ति का नाम लादिनी शक्ति है जो जिसके द्वारा वह पर तत्व आनंद का उपभोग करता है सदा आनंदमय उसका स्वरूप बना रहता है और थोड़ा सा उसमें किसी में दे दे तो उसका जीवन भी आनंदमय हो जाता है वो स्वयं आनंद का परिपूर्ण तत्व है। जब जिस शक्ति के द्वारा वो आनंद का उपभोग करता है उसको लादिनी शक्ति कहते हैं। जब वही शक्ति
ज्ञान का प्रकाश अंतिम रूप तक ले जाती है। जैसे ज्ञान एक साधारण लौकिक ज्ञान, क्या लौकिक ज्ञान, बच्चा जब होता था मैया ये क्या है, ये क्या है, एक हिरण को छपता हुआ कहते ये क्या है, ये जानने का नाम। इसके बाद में ये शरीर कहां से आया, आत्मा क्या चीज है, क्यों इस शरीर में आई, इन समस्त आत्माओं का कंट्रोल करने वाला कौन है, ये सब प्रश्न आते हैं। ये सब क्या है, ज्ञान धीरे धीरे होता जाए। यही ज्ञान कुछ दिनों के बाद में, परिपक्व होने के बाद में भाव के रूप में बदल जाता है, जो कि प्रेम हो जाता है। प्रेम क्या चीज है, ज्ञान है ना, ज्ञान की परिपक्व अवस्था में यही ज्ञान, ये क्या चीज है, यह क्या चीज है, फिर दोनों वस्तुओं में जो प्रेम संपर्क है भाव, उसको प्रेम कहते हैं, यही भगवत प्रेम हो जाता है। ज्ञान का रूपांतरण भाव, और भाव से प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति से महाभाव इत्यादि सब, स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव, बहुत ऊंची स्थितियां हैं जिसके द्वारा कृष्ण भी वशीभूत हो जाते हैं। तो पराशक्ति, चित शक्ति, जीव शक्ति और माया शक्ति, तीन उनकी शक्तियां हैं प्रधान। और चित शक्ति के द्वारा ये जगत तो छोटा सा है, बहुत, ये ब्रह्मांड जो देख रहे हैं ये बहुत छोटा है, एक पाद विभूति सारे ब्रह्मांड मिलकर के, लाखों लाखों ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड हैं, एक पाद विभूति। और चित जो जगत है, जहां पर कि भगवान के लीला विलास चिंत चित विलास होता है, उसे चित विभूति कहते हैं, वो तीन पाद है। तो जो शक्ति भगवान की नित्य काल तक भगवान के चित जगतों को, बैकुंठ जगतों को, उसमें भी राम लोक, कृष्ण लोक, कृष्ण लोक में भी गोलोक, द्वारका, मथुरा, वृंदावन इत्यादि धामों को नित्य प्रकाशित करती है, भगवत स्वरूपों को प्रकाशित करती है, और वहां पर नित्य सेवकों की, जो कृष्ण के परिकर हैं, उनको प्रकाशित करती है, उसका नाम है चित शक्ति। वो लोग कभी जड़ जगत में नहीं आते, आते हैं तो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं, उनसे जड़ का कोई संपर्क ही नहीं है। और एक दूसरी शक्ति होती है जिसको जीव शक्ति कहते हैं। जीव शक्ति के द्वारा भगवान की इच्छा से लाखों मुक्त जीव, अगिनत ऐसे जीव जो भगवान की सेवा में सब समय आनंद में मग्न है, वो नहीं जानते कि ये माया क्या चीज है, इसमें जन्म और मरण क्या चीज है, दुख क्या है, सुख क्या है, वो नहीं जानते। वो सभी कृष्ण के, कृष्ण आराध्य उनके हैं, राधा जी उनके आराध्य हैं, कृष्ण के रूप में। तो ये जीव शक्ति से, तटस्था शक्ति से ऐसे जीव उत्पन्न होते हैं जो इस माया जगत में भूल जाते हैं, भगवान को भूले हुए रहते हैं, सत्संग के द्वारा भगवान की तरफ में आते हैं, सत्संग के द्वारा संत लोग उनके हृदय में भक्ति का बीज बोते हैं। वो बीज क्या है, श्रद्धा। श्रद्धा माने क्या, कृष्ण को, कृष्ण की सेवा करने से हमारा जीवन सारा संपूर्ण हो जाएगा, ये कृष्ण सेवा की वासना का नाम है श्रद्धा। ये जीवों के हृदय में बो देते हैं, सुनते 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 सारा। हम ऐसे लाखों जन्मों तक संसार करते रहेंगे तभी हमें सुख और शांति नहीं होगी, अरे तुम्हारी की बात क्या, रावण जैसा आदमी जिसके नगर परकोटे घर सब सोने और विदुर मणियों के बने हुए थे, जिसको 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती और लाखों स्त्रियां हैं, सुखी नहीं रह सका, तो हमारी आपकी विषाद क्या। हिरण्यकशिपु जैसा वज्र का शरीर, नित्य नौजवान रहेगा, लाखों वर्ष की आयु, कोई उसे मार नहीं सकता, दिन में नहीं मार सकता, रात में नहीं मार सकता, आकाश में नहीं मार सकता है, पाताल में नहीं मार सकता, हवा में नहीं मरेगा, पानी में नहीं मरेगा, समुद्र में नहीं मरेगा, पहाड़ पर नहीं मरेगा, कोई भी ब्रह्मा का बनाया हुआ प्राणी उसे नहीं मार सकता, ऐसा बर लिया हुआ, 1 सेकंड नहीं लगा, संसार का सुख नहीं भोग सका। इसलिए हमारी आपकी तो बात क्या है,
हम सुख नहीं भोग सकते, शांति और सुख नहीं आएगी। बारी मथे बरु हो यघृत सिकताते बरु तेल, बेनु हरि भजन न भवतरिया। यह सिद्धांत अभे, इस चीज को समझ। लाख ज्ञानी हो, लाख गुणी हो, लाख वैभव वाले हो, बिना हरि भजन के तुम्हारा उद्धार नहीं, कल्याण नहीं हो सकता, इस चीज को समझो। तो ऐसा समझ करके जो भगवान का भजन स्मरण करते हैं, इस मर्त्य जगत को छोड़ करके सारे प्रॉब्लमों के सिर पर पैर रख करके भगवान की तरफ भी जाते हैं। और कुछ ऐसे जीव हैं नित्य काल उनका भजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, कृष्ण वो परम सुखी हैं, जन नहीं जानते कि जन्म मरण क्या है। और एक तीसरी शक्ति है जो खित जल पावन गगन समीरा पंचरे तजिया अदम शरीरा खिति अब ते मरु। इनके द्वारा इस पांच भौतिक शरीरों की सृष्टि कर करके ऐसे लाखों करोड़ों जगतों को उत्पन्न करती है, उसको माया शक्ति कहते हैं। अब माया शक्ति में भी समझिए, माया माने भगवान की एक ही शक्ति है, दो नहीं। जब इस मुख विमुख जीवों को ये संसार कारागार में जन्म लेकर के पीस रही है तो उसको महामाया कहते हैं, वही दुर्गा काली इत्यादि के नाम से जानी जाती है। अपनी शुद्ध अवस्था में वही जोग माया है, वही कृष्ण की भगवान की वो पराशक्ति है, वह विविध रूपों में ये सब काम कर रही है। तो ये सारे जो जितने जड़ जगत हैं, जितने जीव हैं, जितने देवता लोग हैं, देवता लोग उनकी विभूतियां हैं, और जितने भगवत तत्व अवतार इत्यादि हैं, सब मिलकर के एक ही उसमें पर तत्व है। कौन? एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिनकी भगवत्ता से राम नृसिंह कल्कि वामन परशुराम और वैकुंठ आदि से नारायण की भगवत्ता है, विष्णु की भगवत्ता है, जिसे परमात्मा की परमत्ता है और ब्रह्म का ब्रह्मत्व है, वो एक ही है। कौन है वो? वही बंसीधारी नवकिशोर नटवर गोप वेश, वही एक है। इसलिए इसको कहते हैं अद्वै ज्ञान परतत्व। न तत् समस्याधिकस्य दृश्यते, वेदांत और उपनिषद कहते हैं उसके समान और कोई परतत्व नहीं। असम ऊर्ध्व, असम ऊर्ध्व, जिसके बराबर कोई नहीं है, बड़ा होने की तो बात ही क्या, ये कृष्ण है। इसलिए ब्रह्मा गए वृंदावन में, था नहीं में इनको मिला, चरणों में नतमस्तक हो गए, इनका वैभव देखना चाहा, नहीं था पा सके, इसलिए चरणों में एक बरस तक इनकी लीला को देखते रहे, समझ नहीं सके। शंकर जी भोलेनाथ गोपीश्वर गोपी बन करके गए, और लोगों की तो बात क्या है। विष्णु को मोह नहीं होता, इसलिए उनको कभी नहीं मोह हुआ। देवताओं को मोह होता, इंद्र इत्यादि को मोह हुआ, कामदेव को मोह हुआ, सब पराजित हुए कृष्ण से। इसलिए अंत में निर्णय किया गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही परम। यही वेदों के प्रतिपाद्य विषय है, गीता में इसको कहा गया। क्या कहा गया गीता में? मैं ही वेदों का अहम ही सर्व जगदानां भक्त नहीं, वेदस्य सर्वम अहम् एव विद्यः, वेदों का सर्वस्व का प्रतिब। अंत में कहा अनावृत्ति शब्दात, अनावृत्ति शब्दात जन्मादस्य जतः, सबके मूल वो परतत्व है। इसलिए कृष्ण को ये समझना, कृष्ण ये ऐसे नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश में भी ये समझना, जो विष्णु उन तीनों में परतत्व हैं, ब्रह्मा जी जीव तत्व हैं, शंकर जी कभी जीव ही तत्व हो सकते हैं, कभी विष्णु भी तत्व होते हैं, इसलिए तीनों में बीच में जो विष्णु बैठे हैं वो तीनों में श्रेष्ठ हैं। और ये जो विष्णु हैं वो कृष्ण के अंश के अंश के कला के कला के विकला के विकला हैं, ऐसा समझो। किंतु तत्वता इस विष्णु से ही उनका अभेद है।
इसमें ब्रह्म क्या किसको कहते हैं? ब्रह्मा केवल ज्ञान नेत्र से जिनको देखते हैं, भगवान के सच्चिदानंद हैं, उसमें से केवल चित वस्तु को थोड़ा सा आंशिक विकृत प्रतिफलन को देखते हैं, वो ब्रह्मवादी होते हैं। ज्ञान नेत्र से भगवान का रूप नहीं दिखता, गुण नहीं दिखता, वो केवल ज्योति के समान उनको दे। वो क्या चीज है? कृष्ण के नख चंद्रिका की ज्योति है। वेदांत सूत्र में भी ऐसा कहा गया, जस्य प्रभावतो जिनके नख चंद्रिका कृष्ण की, उस चंद्रिका की एक अद्भुत विकृत प्रतिफलन जो है ये ब्रह्म है। ब्रह्म की प्रतिष्ठा स्वयं ये कृष्ण है, गीता में बतलाया है। ब्रह्मणो प्रतिष्ठा इस ब्रह्म की। ये सब अद्वैत ज्ञान पर तत्व को जानने में ये सब मिला करके तब ये समझो ब्रह्म कृष्ण का एक चरणों की छटा की एक ज्योति है मात्र। और परमात्मा क्या है? वही उसी का एक खंड अंश जिसमें सत और चित का आंशिक भाव है, जिसमें कुछ रूप है और कुछ ज्योति दोनों मिली हुई। अंगुष्ठ परिमाण में योगी लोग ध्यान के द्वारा उस विष्णु का दर्शन करते हैं, योग के द्वारा, और भक्ति योग के द्वारा प्रेमांजनक छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय विलोकयन्ति जं श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमाम। भक्त लोग क्या करते हैं? प्रेम रूपी अंजन के द्वारा, इन आंखों से नहीं, आत्मा के द्वारा, प्रेम रूपी अंजन के द्वारा क्या देखते हैं? अद्भुत श्याम सुंदर बंशीधारी नटवर, जिसको देखने से हिरण मात्र भी, प्राणी मात्र मुग्ध हो जाते हैं। ये परतत्व कृष्ण है। अब कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये क्या है? ये क्या चीज है? अधिकांश लोग नहीं समझते कर्म किसको कहते हैं, कर्म योग किसको कहते हैं, ज्ञान योग किसको कहते हैं, भक्ति योग नहीं समझते। आजकल दिल्ली में इधर उधर, विशेष करके मैं गया सिंगापुर इत्यादि में, चाइनीज प्रदेशों में, जापान में, इधर उधर में योग की प्रक्रिया भारत वाली ये चल रही है खूब जोरों से। उसका ऊपरी भाव ले रहे, भीतरी भाव तो ले नहीं रहे। पहले जोग समझिए, कोई एक वस्तु के साथ में दूसरी वस्तु को जोड़ा जाता है तो उसको कहते हैं जोग, ठीक है कि गलत? ठीक है ना? एक वस्तु को दूसरी वस्तु से जोड़ी जाए तो इसको कहते हैं जोग। जैसे एक और एक कितना हुआ? दो। और यदि हम कहें एक और एक एक होता है तो गलत है, जोग नहीं हुआ ना? इसलिए कोई जोड़ने के लिए जब दो वस्तु है तब उसको कहेंगे जोग। जब हम अपने कर्मों का जोग उस प्रभु से कर देते हैं, अपना कर्म उस प्रभु के लिए करते हैं, तो इसको कहते हैं कर्म जोग। और जब तक नहीं किए होते हैं, जब तक कोई भी काम जैसे श्वास लेना, देखना, सुनना, बाजार जाना, नौकरी करना, पैसे लाना, संसार चलाना, जब तक अपने लिए या शरीर से संबंधित लोगों के लिए करते हैं तब तक ये कर्म है। इस चीज को समझिए। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कर्म, यथार्थ कर्म, एक होता है अकर्म, एक होता है विकर्म। जब आप शुद्ध कर्म जो वैदिक कर्म है जिसके द्वारा जगत का और आपका कल्याण न हो, कल्याण हो तो उसको जब करते हैं तब इसको कहते हैं कर्म। जैसे पिता माता की सेवा और किसी दूसरों लोगों के लिए कोई दान पुण्य का जगत के भलाई के लिए आप करते हैं तो इसको कहेंगे कर्म। जब अपने लिए करेंगे, दूसरों के लिए, शरीर के भला के लिए कुछ करेंगे, अच्छा कर्म जिसको वेदों में कहा गया है, माना गया है शुभ कर्म, माता पिता की सेवा और सब जितने कर्म हैं, दान है, पुण्य है, गरीबों के लिए, ये सब कर्म है। किंतु इसमें अपने लिए करते हैं तब तक ये कर्म है ना? यदि ऐसे कर्मों को नहीं करते तब इसको कहते हैं अकर्म। अकर्म
कर्म किए बिना रह नहीं सकते, चाहे कर्म करें विकर्म करें चाहे अच्छे कर्म करें बुरे कर्म, कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए जब अच्छे कर्मों को नहीं करते हैं इसका नाम अकर्म, और जब बुरे कर्मों को करते हैं जिसको निषिद्ध किया गया है उसको क्या कहेंगे? विकर्म, कर्म का उल्टा विरोधी। अब जो अच्छे कर्म हैं उन कर्मों को अपने लिए करते हैं तब वो कर्म है, और जब यही भगवान के लिए करते हैं जो कुछ कर्म ये संसार का भी, तो कर्मों के साथ में भगवान का योग हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कर्म योग। समझ रहे हैं? जैसे आपने एक स्कूल किया, अस्पताल खोले, माता पिता की सेवा की, यह शुभ कर्म है। किंतु आपने देखा ये समस्त जगत के पिता तो प्रभु हैं, इसलिए पिता को हम यदि ये कर्मों का हम फल दे देते हैं तो हमारे माता पिता संसार के सभी लोग सुखी रह सकते हैं, इसलिए जो जो कर्म करते हैं उसका फल लेकर के भगवान को अर्पण किया, तत् नारायणम तत् समर्पय, अथवा भगवान के लिए ही करते हैं, अपना बेटा है, समझा जी हम तो भगवान के दास हैं, हमारा बेटा भी भगवान का दास है और किसी कारण से हमारे पास में आया है तो इसकी हम सेवा करेंगे तो इससे भगवान खुश रहेंगे, इसलिए इसको हम अच्छी शिक्षा दें, पढ़ाएं लिखाएं, कर्तव्य, ये आपका कर्म योग हो गया। आपने एक बगीचा लगाया, फल हुआ, आपने कहा जैसे भाई ये प्रतिदिन इसका फल भगवान की सेवा में मंदिर में जाएगा, अपने लिए नहीं किया, अब क्या हुआ, और यदि कुछ प्रसाद मिल जाए तो हमारे पास में ले आना, ये कर्म योग हो गया। ऐसे ही कर्म करते 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 बुद्धि जब शुद्ध होगी, हृदय साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, संसार की जितनी भी बुराइयां हैं सब दूर हो जाएंगी, तो धीरे धीरे ये ज्ञान योग में परिणत हो जाएगा। ज्ञान योग किसको कहते हैं? अपना जब बुद्धि है, ज्ञान है, विचार है, सबको भगवान के लिए लगाओ। सोचो ये जगत कहां से आया? प्रभु से। इसलिए जो कुछ भी सोचो विचार करो देखो उसको, उसके अंदर में तुम भगवान की सत्ता को पाएगा। इस प्रकार से जो कुछ भी ज्ञान के द्वारा उपलब्ध होता है भगवान के साथ में उसे लगाओ तो ये ज्ञान जो हो गया। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कर्मयोग से अच्छा है, क्या कर्मयोग के लिए बतलाया, यज्ञार्थात कर्मणो लोकाय मनत्र कर्म बंधना, जो कर्म तुम भगवान के लिए नहीं करते हो अपने लिए करते हो ये बांध देगा तुम्हें, पीस देगा जन्म जन्मांतर में। इसलिए सभी कर्मों को समझ करके भगवान के लिए करो, जो कुछ कर रहे हो या उसका फल भगवान के लिए दे दो। ऐसा करते 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 तुम्हें जन्म ज्ञान योग उपस्थित होगा, बुद्धि निर्मल हो जाएगी, देखा कहा ये सब विश्व ब्रह्मांड तो भगवान में ही है। इसलिए बहुना जन्म नाम अंते ज्ञान माम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा, ये सभी का मूल उद्गम स्थान तो प्रभु है वासुदेव, उसी में सारा विश्व वास करता है। हम लोग कहां वास कर रहे हैं? सचमुच हम लोग समझ नहीं पाते किंतु हम वासुदेव में ही हैं, और वासुदेव भी हमारे अंदर में है। वो ऐसा है सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महतो आप महियान अनुरूपी अनियान, अणु से भी अणु, ऐसा दूसरा वस्तु नहीं है, हमारे अंदर है, हम उसके अंदर में है। इसके बाद में कहते हैं योगिनां सर्वेषां मदगतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते जो मान समी युक्त तमो, कर्मी योगी से भी अधिक योगी श्रेष्ठ है, उससे भी ज्ञानी योगी से भी श्रेष्ठ ये योगी है। सब योगियों में भी श्रेष्ठ कौन है? जो अंतर से सब समय हमारा ही चिंतन करता है,
और सब कुछ हमको ही अर्पण करके दिन रात हमारी चिंता में मग्न है। मदगतेन अंतरात्मन, अंतर आत्मा के द्वारा सब समय मदगतेन, मदगतेन मेरे अंदर में उसकी बुद्धि सब समय, सब समय भगवत चिंतन करता है। ये समस्त ये क्या किया, अपने को योग कर दिया उस योग के द्वारा भगवान के साथ में। आजकल के लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर लिया, थोड़ा ऐसा कर लिया, सिर घुमा लिया, पैर को इधर उधर संचालन कर लिया, एक साथ में थोड़ा सा दौड़ लिया और व्यायाम, पैर को उठाओ ऐसे करो फिर नीचे गिरा दो। ये जो किसके साथ में है, ये जो कैसे हुआ, ये तो कसरत है, जो कहाँ हुआ। जब एक वस्तु के साथ दूसरी मिलती तब तो इसमें मिली कहाँ। यदि अपने कर्मों का योग भगवान से कराते, अपने आत्मा का योग भगवान से कराते, अपने ज्ञान का योग भगवान से कराते, ये योग हैं। और इन योगों में भी सबसे श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग। भक्ति योग माने क्या, प्रेम के द्वारा कृष्ण को अपने को मिला देना, बांधन, इसको कहते हैं भक्ति योग। भक्ति एकमात्र योग है, इसलिए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम। और इन सब में अनायास ही हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नाम एव, बड़े जोर से देखा, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, और अंत में एव, और कोई गति नहीं, गति नहीं, गति नहीं। फिर भी हमको विश्वास नहीं है, तुम हमारे ही बेटे हो, हमारे ही बेटे हो, निश्चित ही हमारे बेटे हो। और तब कहता मैं तो तुम्हारा बेटा नहीं, क्योंकि समझता नहीं है। इसलिए तीन बार इसमें कहा गया, सब जितने भी योग हैं भक्ति योग में भी श्रवणंग कीर्तनंग विष्णु स्मरणम इत्यादि इसमें बतलाया, किंतु इसमें भी भगवान का नाम स्मरण करते करते भगवान ने अपनी सारी शक्तियां उसी में दे दी है। यही अद्वैत ज्ञान तत्व को जानने के लिए सबसे अधिक श्रेष्ठ उपाय है, कृष्ण ही अद्वैत ज्ञान है। ये कीर्तन के द्वारा ही होता है, इसलिए थोड़ा सा कीर्तन तो कर लीजिए, जय जय राधा रमण, अथवा आप लोग भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए। जय जय राधा रमण हरि बोल।
कैसे इस अद्वैत ज्ञान तत्व को जाने, यानी कृष्ण को जान लिया, नारायण तत्व उसी में, राम तत्व उसी में, बलदेव तत्व उसी में, कल्कि महाराज ऋषि सब उसी में, और उनकी विभूतियां जितने हैं इंद्र प्रभृति देवता लोग, जितनी भी शक्तियां दुर्गा काली और ये सब शक्तियां लक्ष्मी रमा, सब उस एक अद्वैत ज्ञान के अंदर में स्थित है। कैसे जाना जा सकता है? बिना गुरु के नहीं होगा। बिन गुरु भवन धी तरह न कोई, ज्यो विरंच शंकर सम होई। ब्रह्मा के समान ज्ञानी हो, शंकर के समान भी ज्ञानी हो, बिना गुरु के नहीं होगा। और गुरु भी होना चाहिए, कैसे? मैंने कल बतलाया था या परसों बतलाया था, अनुभव। संसार की आसक्ति से दूर, परतत्व की अनुभूति संपन्न, भगवान का भजन करने में निविष्ट रहने वाले, इनकी संसार की किसी भी वैभव इत्यादि की आवश्यकता नहीं, ऐसा यदि व्यक्ति गुरु हो तो उसके द्वारा इस तत्व को जान सकते हैं। और उसी गुरु के प्रति यदि अवज्ञा हो तो सर्व चौपट। आप लोग जानते हैं, एक बच्चा था, शूद्र कुल में जन्म हुआ, 5 वर्ष का हुआ, कुछ अच्छे बड़े संस्कार थे, मैया सब समय गोदी में चिपकाए रहती और दूसरों के घर में बर्तन माजा करती, उसको ही चौका कर देती और उसी से जो कुछ मिलता जीवन का निर्वाह करती, बच्चे को भी पालन करती। ये जानते हैं कौन थे? नारद। ये नारद दूसरे जन्म में, दूसरे या तीसरे जन्म में। पहले के जो नारद उत्पन्न हुए, ये ब्रह्मा जी के गले से, गला माने स्वर, गला माने क्या होता है? स्वर, शब्द ब्रह्म से, उनसे ये नारद जी, इसीलिए कीर्तन इतना करते हैं, कीर्तन करते हैं भगवान का, इसलिए उसके ये शब्द ब्रह्म के ये अवतार हैं। कुछ दिखलाने के लिए, लीलाओं को दिखलाने के लिए एक जीव का कैसे कल्याण होता है, इसीलिए एक शूद्रानी के घर में जन्मे, 5 वर्ष के हुए, मैया दिन रात गोदी में चिपकाए रहती, दूसरों को घर में चौका भाषण करती और फिर उसको भी खिलाती पिलाती अपना था। बड़े सौभाग्य से उस गांव में कुछ ऋषि महर्षि लोग आए, वर्षा काल था, भारतवर्ष में वर्षा काल साधु संत लोग कहीं नहीं जाते हैं, एक जगह पर रह करके अपना साधन भजन करते हैं, इसको चातुर्मास्य व्रत कहते हैं। 8 महीने तो संसार का काम करेंगे लोग, किंतु हम ऐसे संसार को चलाएंगे जिससे कि 4 महीने के लिए हमको छुट्टी मिली और भगवत चिंतन करें। इसलिए चातुर्मास्य, चाहे गृही हो भारतवर्ष में, चाहे त्यागी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, कोई भी हो, चातुर्मास्य व्रत करता था। एक आदमी थोड़ा सा कुछ कमा लेता और उसी से सारे परिवार का पालन पोषण करता। अब तो अजीब तमाशा है, मियाँ जी कमा रहे हैं, बीबी कमा रही है, बच्चे कमा रहे हैं, लड़की कमा रही है, बेटा कमा रहा है और सबका अलग अलग बैंक बैलेंस, और देखो तो कुछ नहीं, परिवार का पालन पोषण। एक टीवी खरीदने में कितना रुपया लग गया, एक हार खरीदने में कितना, लैपटॉप सिर्फ या क्या होता है ना, ये सब खरीदने में कितना पैसा लग गया, कहाँ से बने? सब लोग मिलकर के कमाते थे। अब पहले क्या होता था, थोड़ा सा खेती कर लेता या कुछ कोई काम कर लेता सारा परिवार का, ऐसा होता है जो, और सब तो कुछ कुछ काम कर लेता और 4 महीने कुछ नहीं करता, साधु समाज जा रहता, वहां बैठ करके चातुर्मास्य बात करता। तो वो चातुर्मास्य के वर्षा के काल में वो एकत्रित हुए और कहा, जैसे अब कहीं नहीं जाएंगे, छोटी सी कुटी बना ली, पत्र और डालियों की और घासों की, और वहीं पर रह गए। और वहीं पर शाम को सवेरे ऐसे ही प्रवचन होता, छत्र हरि कथा का लगता, और उनकी चौका बासन के लिए अधिकांश तो वो उपवास ही करते
और थोड़ा सा जो कुछ होता है वो बन जाता है सिद्ध पक्का, बस उसी से उनका काम चलता है। एक बार खा लेते बस, बच्चों का भाषण के लिए वो आ जाती, चौका माच देती और उनके पत्तलों में जो जूठा रह जाता वो अपने घर में ले जाती या उस बच्चे को खिला देती। उसका संस्कार इतना बना कि उसके अनर्थ सब दूर हो गए, उनके उच्छिष्ट में इतना बड़ी भारी शक्ति, उनके चरणों की धूल में इतनी शक्ति होती है, उनकी कथाओं में इतनी शक्ति होती है, उनके चरणोदक में भगवान का चरणोदक से भी बहुत प्रभावशाली हो, चित्त को परमार्जित और शुद्ध कर देता है साधु संतों का। इसलिए वो प्रतिदिन उनके जूठों को ले लेता है या पूछ लेता है, मैं ले लूं थोड़ा, तो जानबूझ करके अपने पत्ते में कुछ छोड़ देते बच्चे के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का था, उनके आदेशों को पालन करता, उनके लिए लोटे में पानी ला देता, जब स्नान करने जाते उनके कपड़े ले जाता, उनके कपड़े ले आता सुखाने के लिए दे देता और दौड़ करके बड़ी प्रेम से सेवा करता है। इसका नतीजा ये हुए कुछ दिनों में उनकी कथाओं में इसकी रुचि आ गई। अभी तक जोर जबरदस्ती कीर्तन करा करके हम दो मिनट के लिए चित्त लाते हैं वो भी समझ में आता है कि नहीं, यदि सुकृति और पहले का संस्कार हो तो ये हम जो कर रहे हैं वो भी समझ में नहीं आएगा। और उल्टी सीधी भागवत कहने वाले आए ना तेरे कि गुड़ को रगड़ दिया राबड़ी से मलाई से, ऐसे ऐसे कीर्तन गाएंगे और बड़े मजेदार कहानी कहेंगे, चटनी लगा देंगे उसमें, बड़ा अच्छा लगे और कुछ नहीं, उसमें कुछ लाभ नहीं होगा। तो उनको हरि कथा में रुचि हुई, बड़े प्रेम से सुनने लगे, भागवत की कथा होती तत्व वेदांत इत्यादि की बातें होती, बड़े प्रेम से सुनने लगे, जीव तत्व क्या है, कहां से आया, माया क्या है, माया क्यों पकड़ लेती है हमें, कैसे हमारा कल्याण होगा, भगवान का भजन करने से ही होगा, भगवान का नाम संकीर्तन कर, यह सबसे सहज है। चित्त को जैन के न उपाय ने कृष्ण मनु नहीं हुए, जैसे तैसे अपने मन को भगवान के चरण में लगाओ, यही साधन है। भगवान की लीला कथा है रामचंद्र जी की, कृष्ण की और सब जितने हैं सुनाने लग गए। चार महीना बीत गया, बच्चे को बड़ा प्रेम हो गया हरि कथा में और भगवान के चरण में, कैसे भगवान को पाए। जब जाने लगे वो लोग तो ये रोने लग गया, चिपक गया, तो उन्होंने दया करके उसको एक मंत्र बतलाया, जाओ भागवत में उस मंत्र का उल्लेख है, जाओ इस मंत्र को एकांत में तुम साधन करना। मंत्र दे करके चले गए, किंतु मैया आप तो चिपकाए रहती, उसको छोड़ती नहीं। उसने कहा जी भगवान हमारे ऊपर में दया करो जी, मैं मुझको समय मिले तो मैं जाऊं एकांत में कहीं भगवान का मैं ये मंत्र जपूं। मंत्रों में शक्ति है। मंत्र माने क्या, मनना त्रायते, मन जो अभी चिंता कर रहा है ना, अभी चुपचाप मन को एकांत करके बैठो गुरु मंत्र जपने के लिए, भागेगा इधर उधर, वायु को सहज है पकड़ लेना, मन को पकड़ना बड़ा भारी कठिन है, जितना इसको मन को खाली रखो कहां कहां दौड़ेगा और एकदम शांत हो तो सो जाएगा। जितना तुमको याद नहीं है वो चीजें भी सब याद आने लग जाएगी। मन को कंट्रोल करना बड़ा भारी कठिन है, तो इससे जो सहज ही स्थिर कर देता है जो सप्त ब्रह्म उसको मंत्र कहते हैं। देखो भाई नाम दो प्रकार के हैं, अच्छी तरह से समझो, एक होता है शब्द ब्रह्म और एक होता है शब्द सामान्य। एक है ट्रांसडेंटल वर्ड और दूसरा है वाइब्रेशन ऑफ साउंड। हवा आती है गले के कंठ में और दांतों से टकरा करके, जीभ से टकरा करके, ये जो साउंड से जो शब्द उत्पन्न होता है ये मॉन्डेंट साउंड है, जागतिक शब्द है, वायु के वजह से होता है। और ट्रांसडेंटल वर्ड जो भगवान का नाम है, साधन करके, जैसे वाल्मीकि जी ने मरा मरा करते हुए 10,000 ना 50,000 60,000 वर्ष नाम जपते जपते उनको जो सिद्धि हुई ऊपर से भगवान की कृपा से, जब उनके जीवा पर उनके मन में वो नाचने लगा मन अपने आप, वो ट्रांसडेंटल वर्ल्ड है। गुरु जो अपने साधन करके
अपने हृदय से निकाल करके जो आपको मंत्र देता है, नाम देता है भगवान का, उस तो ट्रांसेंडेंट, उसमें शब्द शक्ति भरी है, उसका थोड़ा सा भी आप करेंगे आपको उपलब्धि होगी। और जो जैसे तैसे गीता प्रेस के पुस्तकों में देख लिया, इधर देख लिया, किसी को गाते हुए सुन लिया, कुछ कर लिया, वो जो शब्द है उसमें शक्ति नहीं है, वो जगत का शब्द है, वो हवा के वजह से इसमें से आ रहा है, अपने परिश्रम से आप कर रहे हैं, अपने इंद्रियों के द्वारा कर रहे हैं, और वो नाम होता है भगवान की कृपा से, वो क्या करता है, उतरता है, नाम का अवतार उसमें होता है। इन दोनों में बहुत अंतर है। जो नारद ऋषि ने ध्रुव को, प्रहलाद को जो नाम दिया, नारद जी ने जो वाल्मीकि को जो नाम दिया, ये ट्रांसेंडेंटल शब्द ब्रह्म है। और जो लोग ऐसे ही कहीं से सुन लिया, ऐसा कर लिया, साधन किया नहीं और दूसरों को देते हैं, तो उसका भी अनर्थ नहीं होता, दूर होता है, संसार की चीजों के लिए भगवान का नाम का प्रयोग करता है और उसको उस ब्रह्म की अनुभूति नहीं मिलती। इसलिए ऐसे नाम से नहीं। कुछ लोग लिखते हैं, लिख करके क्या होगा, कहां पर फेंकेगा, फेंकेगा तो पैरों में आएगा तो वो अपराध होगा, पानी में फेंकेगा तो, अपने बेटे को तो फेंक दो तो, वो तो नाम तो ब्रह्म है, इतना भी तो ज्ञान नहीं, नहीं, ये जपने से होगा, कीर्तन करने से होगा, ये शब्द ब्रह्म गुरु इसका साधन करके शब्द ब्रह्म लेकर के तब दूसरों को देता है, तो उसका काम होता है। आप लोग बंगाल में रहने वाले या जहां पर धान की उपज होती है वो लोग समझते होंगे, एक पुष्ट धान होता है, एक पैया धान होता है, पैया धान होता है ना, आगड़ा तूसा, जिस धान में चावल नहीं है, ऐसा 10 लाख बोरी तुम मंगाओ, धान देखने में ऊपर में किंतु उसमें चावल नहीं है, तूसा आगड़ा, उसको हवा में उड़ा दो उड़ जाएगा, सूप में फटक दो चला जाएगा। और जो पुष्ट धान है जिसमें कि चावल है वो कैसा है, उड़ाओ उड़ेगा नहीं, भारी गंभीर है। ऐसे ही जो साधन करके नहीं जो देते हैं नाम खोद, साधन तो किया नहीं, नाम दिया कुछ दिन किया, इसके बाद में छोड़ देगा, उसका फल नहीं। और जो गुरु पुष्ट होकर के अपने साधन भजन करके और तब शब्द ब्रह्म रूप में उसके कान में देता है, उस चीज को ग्रहण करके परम कृतार्थ हो जाता है। जैसे एक वाल्मीकि मरा मरा कर रहा था, राम राम नहीं कर सका, किंतु सदगुरु का दिया हुआ जो नाम था वो मरा मरा मराम राम होकर के जगत का पवित्र करने वाला बन गया। और हम आप तो 10 बार करते हैं दिन में, 10 बार राम 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 राम, क्या होता है, शब्द ब्रह्म नहीं है। उसका साधारण यही फल होगा कि कुछ धन संपत्ति मिल जाएगी। आत्मा की अनुभूति, ब्रह्म की अनुभूति, प्रेम भगवान में यह नहीं होगा, जो कि नारद के करने से हुआ। जो शुद्ध गुरु से, वैष्णवों से जो नाम लेते हैं वो शब्द ब्रह्म होता है। इसलिए गुरु परंपरा में यह शब्द ब्रह्म होता है। और जो साधन भजन नहीं किया, हरिनाम करो ऐसे गीता में लिखा है, ऐसा लिखा है, वहां लिखा है, बस करो, लाख करोगे, शंका बनी रहेगी। इसलिए कहां कह रहा था, नारद जी का जीवन, नारद जी को मंत्र दिया, जब उनकी इच्छा हुई जब मैं इसको करूं, भगवान की बड़ी कृपा हुई, उसकी मैया को सवेरे वो दूध दुहने जा रही थी काढ़ने के लिए गैया को, और एक सांप ने काट दिया। ये तो उसके पूर्व जन्म के फल से हुआ, किंतु हुआ इनका क्या, बस मिल गया समय, नहीं देखा, उन्होंने सुन रखा था ये शरीर आत्मा नहीं है, ये मेरी मैया नहीं है, मैया उसके अंदर में जो आत्मा थी, इसलिए शरीर की तरफ में नहीं देखा, उसको तरफ में नहीं देख करके वन में चले गए, गंभीर से गंभीर वन में चले गए। सिंह भालुओं ने भी कुछ नहीं किया उनका, और एक स्थान पर बैठ करके एक सरसी के किनारे, सरोवर के किनारे पानी पी करके, स्नान करके, आचमन करके और बैठ गए। बहुत दिनों तक आराधना करते करते करते, आराधना में और तपस्या में और ध्यान में बहुत अंतर है। ध्यान किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, आराधना माने आराधना, राध जिसे वस्तु एकदम
प्रसन्न हो जाता है, आत्मसमर्पण करके हे प्रभो प्रचोदयात् आप हमारे हृदय में प्रकृष्ट रूप से उदित हो। धीमहि मैं आपका ध्यान करता हूं, वेद में है आपको जानता हूं, प्रभु आप हमारे ऊपर में कृपा करें। ये गुरु सदगुरु जो तत्व को जानने वाले ऐसा मंत्र देते हैं, थोड़े दिन करेंगे देखेंगे आपको अनुभूति हो जाएगी जिस तरह से वो कह रहा है। चले गए, लगाया समाधि, लग गई कुछ दिनों में ही, और धीरे धीरे जब खाना पीना भी बंद हो गया, कुछ दिनों के बाद में छटपट छटपट करने लगे, और मंत्र के प्रभाव से उन्होंने देखा जो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के उनके आराध्य देव सामने आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये कृष्ण ही वासुदेव का रूप, वो शंख चक्र लेकर के जैसे देव की वसुदेव को दर्शन दिया वैसे उन्होंने दर्शन। आप जो मंत्र कहते हैं इसका इष्ट देव कौन है, उसे संबंध क्या है, शरणागति उसके प्रति रहेगी, प्रार्थना हो तो ये मंत्र के द्वारा आपका इष्ट देव कृष्ण भी आपके सामने आ जाएगा, राम आ जाएंगे, जो आपका इष्ट देव होगा वो जरूर आ जाएंगे, और नहीं आते हैं तो समझो जो वो मंत्र बेकार का है, वो साधन करके नहीं दिया गया है। इसलिए जो उसने साधन किया है ऐसे तत्वविद गुरु से मंत्र लिया जाए तो वो शब्द ब्रह्म देता है। कुछ दिनों के बाद भगवान का दर्शन किया, दर्शन देने के बाद में झट आंखों से उजल हो गए, अब तो बड़े छटपटाने रोने लगे जैसे प्राण ही चले जाएं। आकाशवाणी हुई, नारद तुम चिंता मत करो, जिस रूप को मैंने तुमको दिखलाया है ये हमारा अपना निजस्व रूप है, तुम इसी का चिंतन करो, हमारे नामों का गुणगान करो, हमारी कथाओं को कहते हुए इस जगत में चलो। समय आएगा तुम्हारा दिन जब पूरा हो जाएगा, मृत्यु आएगी, मृत्यु के सिर पर पैर रख करके और बस तुम्हारा स्वरूप इसमें से निकलेगा, और इसके बाद में तुम परम मुक्त हो जाएगा, तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। सांस रूप करके उनको शांति कुछ हुई, और जो रूप को देखा था अब उसी का ध्यान चिंतन आराधना करने लगे। जो लोग भगवान का रूप नहीं देखा वो क्या ध्यान करेंगे, अरे उनकी तो बात दूर हो, हमारे पिताजी का आप लोग ध्यान करिए तो कर सकते हैं कोई, हमारे पिता का ध्यान देखा तो है नहीं, अपने परदादे जी का जिनको देखा नहीं उनका ध्यान कीजिए तो देखा तो नहीं, अच्छा शंकर जी का ध्यान तो करो, कहिए तो हाँ ऐसा ही तो ध्यान काल्पनिक। इसलिए शुद्ध रूप से उनसे कहो जैसे आप हैं आप अपने हृदय में हमारे हृदय में प्रकट होइए, वो प्रकट कर देंगे। जिसका कभी आजकल ध्यान 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 क्या ध्यान करेगा, किसका ध्यान करेगा, अपने बाप का जो नहीं देखा उसका ध्यान नहीं कर सकता, प्रभु का ध्यान क्या करेगा। इसलिए नारद अब ध्यान करने लगे, जिनको देखा था उनको इसको ध्यान कहते हैं। अब थोड़ी देर के बाद में ऐसे करते 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 हरि कथा करते करते वीणा यंत्र पर सर्वत्र घूमते हुए यहां से पैरों से जा सकते हैं, 10-20-50 वर्ष तक घूमते, 100 वर्ष 1000 वर्ष तक घूमने के बाद में उनका समय आया, मृत्यु उनके सामने आई, बस उनका प्रयज्ञमाने उनके आत्मा का स्वरूप प्रकट हो गया। प्रत्येक जीव के अंदर में उस आत्मा का एक रूप है, बड़ा सुंदर रूप अद्भुत जीवन स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास, दास और दासी रूप में हमारे अंदर में है, अभी यह शरीर के द्वारा छिपा हुआ है, इसके बाद में मन बुद्धि अहंकार के चित्त के रूप में छिपा हुआ है, वो प्रकट हो गया अद्भुत रूप, और रूप होने से ये शरीर खत्म हो गया, और वो एकदम मुक्त होकर के सारे विश्व में यहाँ तक कि बैकुंठ में गोलोक वृंदावन में जहां इच्छा वहां पर शिकन मन किया और वहां पर पहुंच जाते हैं। आत्मा की गति ऐसी है, शरीर से हम अधिक से अधिक विमान के द्वारा भी कितना दूर जा सकते हैं ना? और मन के द्वारा 1 सेकंड में, विमान के द्वारा जो हम हजारों वर्ष में गए हैं मन के द्वारा उसको पहुंच सकते हैं, और आत्मा कहां, चंद्रलोक की तो बात छोड़िए, ब्रह्मलोक उसको भी पार करके बैकुंठ लोक उसे भी ऊपर गोलोक वृंदावन सर्वत्र उसकी गति हो जाती है। इसलिए नारद जी ऐसे हम परम मुक्त हो गए, अपने जीवन का चरित्र या उनको व्यास जी को बताया, इस तरह से साधन होता है। ऐसे साधन नहीं कर मनमाने रूप से ढंग से करने लगे, शास्त्र का विचार लिया नहीं तो उत्पात ही रही वकीवलम, क्या श्लोक
श्रुति स्मृति पंचरात्रादि विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात। अपने मन से समझो जब बहुत विद्वान है, लाख विद्वान हो, लाख तुम कोई एकांतिक भक्ति भी करोगे सदगुरु का पदाश्रय करके, उसके अनुगत्य में नहीं करोगे तो क्या होगा? उत्पात होगा, केवल उत्पात ही होगा। अब इसको एक कथा के रूप में चलो। अब ये सुखदेव गोस्वामी जी जीवन चरित्र सुख परीक्षित महाराज जी को वर्णन करने लगे। 25 हो गए तो समय हो गया, तो अब कथा कल के लिए हम वो रखते हैं। बहुत ही रुचिकर सुंदर है, कैसे गुरु को धारण किया जाता है, कैसे गुरु को लेकर के चलते हैं, और कैसे गुरु कृपालु होता है, और उस गुरु के प्रति यदि जानने वाले तत्वविद हैं थोड़ा सा अपराध हो जाए तो कैसे गति हो जाती है, गड़बड़ सब भक्ति चौपट हो जाती है। इस सब के विषय में हम कल शंकर जी का और पार्वती जी का, सती जी का हम उपाख्यान श्रीमद् भागवत और वाल्मीकि रामायण इत्यादि से मिला करके बहुत सुंदर रूप में प्रस्तुत करेंगे। बहुत सी शिक्षाएं जो भी हम 3-4 दिन हम कथा कर रहे हैं सार लेकर के अपने जीवन में पालन करने की चेष्टा करेंगे, बहुत ही कल्याण होगा निश्चित। और कोई संदेह डाउट मत रखें, कोई डाउट हो शंका हो तो हमसे पूछ लीजिए, हम जहां तक हो सकते हम सर्वज्ञ तो है नहीं किंतु जहां तक जानते हैं आपको सामने हम उपस्थित करेंगे। बोलिए। मन और आत्मा इनका क्या योग है? वो भी गति से चलती है और आत्मा भी उससे ज्यादा गति चल रही है, जैसे आपने अभी कहा। इनका क्या योग है? मन और आत्मा ये दोनों डिफरेंट हैं या कि एक ही चीज है? बहुत धन्यवाद आपको। आत्मा असल चीज है। आत्मा माने होता है मैं, संस्कृत शब्द आत्मन है, आत्मन माने होता है मैं। ये जो शरीर है अभी जो हम कह रहे हैं जो मैं, मेरी आंख, मेरा ये सब, ये शुद्ध व्यवहार नहीं। अभी हम आत्मा में इसको समझ रहे हैं कि ये शरीर मैं हूं, किंतु आत्मा इससे अलग है। और इसके मन बुद्धि अहंकार चित्त का एक और सूक्ष्म शरीर है। इसको उदाहरण के लिए समझिए, आपने चीना बादाम देखा होगा, मूंगफली, मूंगफली के ऊपर में एक हार्ड कवरिंग होता है, उसके अंदर में एक पतली सी लाल छिलका होता है और उसके अंदर में दो दाने होते हैं। मूंगफली कहने से किसको समझते हैं इस पर विचार करना है। यदि छिलके के साथ में वो है मूंगफली तो उसका रेट कम है ना, वजन दर से उसका कम दाम है। और उस कड़े छिलकों को हटा दीजिए तब उसको बेचिए वो लाल पर्दे वाले से युक्त, तो उसका डबल टेबल उसका दाम हो जाएगा। मूंगफली वो है, ये छिलका नहीं था, छिलके को मूंगफली ने अलग कर दो इसका कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, उसको जला दो कुछ भी कर दो। इसलिए मूंगफली जो लाल छिलके के में है, अच्छा लाल छिलके को भी हटा दो उसका भी कोई मूल्य नहीं, वो बिकेगा नहीं। वो जो दोनों दाले हैं ना उसी का मूल्य है, वही मूंगफली है। अब इसमें एक चीज और समझिए, जब तक ऊपर का छिलका है तब तक उसको जमीन में गाड़ दो, उससे निकल जाएंगे अंकुर और फिर उसमें पौधे होंगे। अच्छा उसको भी हटा दो, लाल छिलका है उसके समेत भी गाड़ो तो उसमें से निकल आएंगे, किंतु लाल छिलका को हटा करके जब दो दाले क्यों रहती हैं उनको दो तो नहीं उसमें अंकुर होंगे। क्यों? वो छिलका जो है वो मूंगफली नहीं है, फिर उसमें अंकुर पैदा नहीं हो सकता है। वैसे ही जब ये शरीर खत्म हो जाएगा उसके बाद में मन भी हट जाएगा तो जीवात्मा का जन्म मरण नहीं होता है, वो नित्य मुक्त हो जाता है। और वो जो लाल वाला जो पर्दा है उसमें जो ये रहता है कि मैं यही मन हूं, बुद्धि हूं, हम जब ये कर रहे हैं बुद्धि से,
ये बद्ध अवस्था का लक्षण है, ये सर्वथा उससे अलग है। जब ये भी हट जाता है तो आत्मा निर्मल हो जाता है। ये भी शरीर भी चलता है किंतु शरीर और मन भी चलता है, दोनों एक हैं। शरीर कितना चलेगा, मनुष्य बहुत तीव्रगामी है, किंतु शरीर से मन अलग है, किंतु है भी ये भी जड़ है, किंतु आत्मा है, वो चेतन है, वो भगवान का अंश है। ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातन। शरीर के लिए मन के लिए कहा यह प्राणी कर सती जब प्राणी नाम इत्यादि क्या है, अपरे यम इतस्तु अन्यंग प्रकृति में वृद्धि परम। मन बुद्धि अहंकार चित्त शरीर ये प्रकृति के हैं और आत्मा है प्रकृति सती, तो वो भगवान का अंश है, इसलिए दोनों में अंतर है। चलता तो है ये थोड़ा सा, और वो कैसा चलता है, सारे विश्व में, विश्व के ऊपर भी वैकुंठ तक जाए, मन इस पृथ्वी ब्रह्मांड को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता, इसकी गति इसके ऊपर में नहीं है। जिस चीज को हमने नहीं देखा कभी, उस पर मन क्रिया नहीं कर सकता है, नहीं चल सकता है। जैसे आप हमारे जन्म स्थान, एक स्थान है बक्सर, कैसा है आप जरा बतलाइए, तो मन से नहीं बतला सकते, मां आत्मा की अनुभूति होगा तो बतला दे। इसलिए ये मन से भी बहुत तीव्रगामी और अत्यंत प्रकृति से अतीत ये आत्मा है, वो भगवान का अंश है, मेरा वह स्वरूप है, और मन बुद्धि और ये शरीर उसके ऊपर में पर्दे हैं, ये हट सकते हैं, आत्मा नहीं हटेगी, आत्मा ही परमात्मा का अंश है। इसलिए एक पर्दा जो है दाल का वो आत्मा है और दूसरा वाला क्या है, परमात्मा है। परमात्मा सब उन आत्माओं में विशेष, उसके साथ होने से भी वो आत्मा नहीं है, परमात्मा सबका कंट्रोल करने वाला, वो एक सब में है और आत्मा एक एक अलग अलग सब में है। इन चीजों को अच्छी तरह से समझने के लिए कुछ समय चाहिए, कुछ साधन चाहिए, कहने से ही नहीं होगा। गौ प्रमाणंते कृष्ण नाम तू भज ले भव सागर तर जाएगा, जो न तूने भजन क्या लेकर तू जाएगा, क्या लेकर तू आया तेरा
जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलान जय जय Thank you.
आज आएंगे there on the road. It's a big traffic jam. Did you ever find them? The car got stuck in the mud. Did you get them on the plane? Well, they came swimming over the ocean. They're traveling with you now in Houston. They're coming over the ocean. They swim over the ocean. And they'll be on their way to Hawaii on Sunday evening. Your van is coming also? Van is not working. Whatever, Kiko, that he drunk, whatever. Or mere paas van hai. Mere paas van hai. Dono log samaan load karte hain. Hum log aapke ghar ko. Take a look at all the luggage in the car. Guruji kahan chale gaye? Bring it to you, some of our devotees, and we'll come at once. We need you. दो घंटे तीन घंटा चार घंटा पाँच घंटा जितना बोला सबको उपस्थित होना चाहिए सब बर्तन होने से भी घर पे बाहर उनके गार्डन में बैठे ना वहाँ के हमारे घर पे रख लो चाय बिन्नी दीदी के कहीं ओह माय गॉड ओह माय गॉड गुड वेरी नाइस ओह माय गॉड ओह माय गॉड ओके हरी बोल थैंक यू सर हां सुना बोल क्या हुआ सर गुरुदेव हरी बोल शाम को हम आपको छोड़ेंगे नहीं हम आपके आज अपना घटना में प्यासे ही रह जाते हैं और इतना प्यासे रह जाते हैं फिर उस दिन खूब हमें प्यास हो जाती है आज रहे तो फिर उनको भी थोड़ा सा बात हो जाएगी प्रोग्राम बनाने वालों में से हैं और सात जन तो आ सकते हैं नहीं सच्ची हाँ लेकिन सब फिर बाकी लोग ऐसा करेंगे या तो चलो लेकिन साहब ये बोला है कि Oh my God! That's it. Thank you. Bye. Indian dancing.